वेलकम बैक टू माई चैनल बी हेल्दी विद आरजू। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गवावा यानी अमरूद हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल और हेल्दी हो सकता है, और इसमें मेरे भाई भी मेरी मदद करेगा। सो चलिए देखते हैं। हेलो अक्षत। हेलो आरजू, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को ला के दोगे? जरूर। लो अक्षत अमरूद खाओ। अरे मुझे गवावा बिल्कुल पसंद नहीं है। पर गवावा तो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। मेरे को नहीं पता वो उसमें क्या क्या विटामिन और क्या क्या चीजें होती हैं जो हमारे लिए हेल्दी होती हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी। गवावा एक हाई एनर्जी फ्रूट होता है। वाह, उससे तो मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। जरूर, और आप भी। गवावा के अंदर एज कम्पेयर टू ऑरेंज विटामिन ज्यादा होते हैं। जिन लोगों को भी डायबिटीज होती है, अगर वो गवावा खाएंगे डेली तो उनकी डायबिटीज भी सही हो जाती है। और कुछ हमारे जैसे मोटे लोग, अगर वो मोटे हो गए हैं तो उन्हें गवावा खाना चाहिए, जैसे मैं डेली खाती हूँ, तो उनके वेट में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अरे एक बात मेरे को भी पता है। बताओ। जिन लोगों की स्कर्वी होती है उनके स्कर्वी भी गवावा खाने से धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। एकदम सही बात, जो मैंने आपको बताई थी विटामिन सी होता है, वैसे ही गवावा खाने से स्कर्वी भी ठीक हो जाती है, क्योंकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। और जिन लोगों के चश्मा चढ़ा हुआ होता है उनका चश्मा भी उतर जाता है। ओ, उसको लिए तुमने गलत बोला, उसे ऐसे बोलेंगे कि जिन लोगों की आई साइट कमजोर होती है उनकी आई साइट धीरे धीरे करके सही होने लग जाती है। एक बात और बताऊँ, हमें इस मौसम में कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, पर अगर हम डेली गवावा खाएंगे तो हम कोल्ड से बच के रहेंगे और कफ से भी। ओके सो अक्षत, अब मैं तुम्हें गवावा खिलाऊंगी। ओके ओके दीदी। ठीक है, तो आप लोग भी डेली गवावा खाइए और अपने आप को फिट और हेल्दी बनाइए। थैंक यू।